हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। तो आपने लाइट के बारे में बेसिकली थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, सुना होगा कि लाइट एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो क्योंकि इसको हम डे टू डे लाइफ में हर जगह मतलब कि अप्लाई कर रहे हैं, लाइट का यूज बहुत है। तो एक सिंपल सी टर्म देखो, लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो इसके सोर्सेस क्या क्या रह सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स रह सकता है वो हम मान सकते हैं कि सन इसका एक सोर्स है, ठीक है। और कौन से सोर्स बन सकते हैं, और कौन से सोर्स बन सकते हैं बच्चे, बल्ब। बल्ब और क्या आ सकता है, ट्यूबलाइट, स्टार एटसेट्रा। मतलब ऐसे काफी सोर्सेज हैं जो कि लाइट के सोर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर को बाइफिकेट करना है दो पार्ट्स में। वो कैसे बाइफिकेट करना है, हमने इस चैप्टर को ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि लाइट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रेक्शन, ठीक है। एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रेक्शन। तो विश्वास मानिए, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए, सबसे पहले फिजिक्स के काफी अच्छे अच्छे लॉज लगेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन के लॉज और रिफ्रेक्शन के लॉज। रिफ्रेक्शन जो है थोड़ा एडवांस में चले जाता है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रेक्शन में आप क्या मानते हो, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों सेम है। तो इस चैप्टर में हम काफी डिटेल्ड और अच्छे फॉर्म में पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले रिफ्रेक्शन को समझने के लिए, रिफ्रेक्शन का देखिए, हमने इस चैप्टर में जो रिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ सकते हैं रिफ्रेक्शन के बारे में, जैसे रेनबो, ठीक है। रेनबो हो गया, रेनबो 7 कलर निकलते हैं, वो क्यों निकलते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, दिस टर्म रिफ्रेक्शन। अब लोअर क्लास में आप एक छोटे बचपन में ही आप एक टर्म बोलना शुरू हो जाते हो, हालांकि खुद पूरी तरह बोल नहीं पाते, फिर भी ये टर्म बच्चे बोलते हैं, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये जो ट्विंकल है, ट्विंकल क्यों करता है स्टार, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। वो सारा का सारा लाइट का ही कंसेप्ट है, ठीक है। रेडिश सन जो है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट क्यों दिखता है, वो सारा का सारा हमें इस चैप्टर में मिलेगा। अब देखो, बेसिक टर्म जो है, हमने अगर ये चैप्टर स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट किया जा सकता है कि हम जो है कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम कहेंगे कि आइस। तो बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, तो आंखों से देख सकते हैं। तो बच्चे, मैं अगर एक जनरल बात करूं, एक रूम के अंदर आप हो, एक रूम के अंदर आप हो, ठीक है, और उस रूम के अंदर एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, और उस लाइट से मतलब कि हर डायरेक्शन में रे निकल रही होगी ऐसे। तो मैंने कहा यहां पे एक पर्सन होगा, ठीक है, तो इससे जो रे आ रही होगी सीधा इसकी आंख में पड़ रही होगी, जिसकी करके ये इस जो बल्ब है उसको देख पा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसी रूम में एक टेबल है, इसी रूम में एक टेबल है, ठीक है, इसी रूम में एक टेबल है। तो ये एक्चुअल में लॉजिकली देखा जाए तो ये टेबल को भी देख पा रहा होता है, उसका कारण क्या रहता होगा, ये इससे तो लाइट निकल रही है, इसको देख पा रहा है, पर ये इस टेबल को क्यों देख पा रहा है। तो इसका भी लॉजिक आपने लोअर क्लास में सुना होगा, ये इस टेबल को देख पा रहा है बिकॉज ऑफ लाइट, दोनों इस लाइट के सोर्स हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा कि दोनों लाइट के सोर्स है पर इसमें से तो लाइट पड़ ही नहीं रही। हाँ बच्चे, बिल्कुल सही है, ये भी सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां से भी कोई रे निकल के यहां पे पड़ रही होगी, और इस रे से यहां से टकराने के बाद ये सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है और ये इस पे पड़ रही है। तो हमने इसको बाइफ्रिकेट किया दो पार्ट्स में, बाइफ्रिकेट किया। वो कैसे बाइफ्रिकेट किया, हमने इसको बाइफ्रिकेट किया इस फॉर्म में, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे इन दोनों में से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिनकी अपनी सोर्स ऑफ लाइट हो, अपनी सोर्स ऑफ लाइट हो, और इन दोनों में अपनी सोर्स ऑफ लाइट किसकी थी? दोनों ही सोर्स ऑफ लाइट हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, दोनों ही सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, दोनों ही सोर्स ऑफ लाइट है। पर इसमें ल्यूमिनस कौन सा है? जिसकी अपनी लाइट है, जिसकी अपनी लाइट है, तो इसका मतलब जो अपनी सोर्स ऑफ लाइट से मतलब कि अपनी ही लाइट दे रहा है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जो सोर्सेस ऑफ लाइट तो हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट तो है, बट इसकी खुद की लाइट नहीं है, बट इसकी खुद की लाइट नहीं है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, तो इस पॉइंट को लिखना और समझना जरूरी है। वो क्या पॉइंट है? वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे फ्रॉम इट रीचिस टू अवर आइज, लाइट रे फ्रॉम इट रीचिस टू अवर आइज, दैट लाइट रे, दैट लाइट रे मे बी द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मे बी द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो वो ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट होगी इटसेल्फ, और वी कैन से इट मे बी रिफ्लेक्टेड, इट मे बी द रिफ्लेक्टेड लाइट रे फ्रॉम सम अदर सोर्स, फ्रॉम सम अदर सोर्स। तो इसी को लेके हमने डिवाइड किया इसको दो पार्ट्स में, एक को नाम दे दिया हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे को हमने नाम दे दिया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनकी तो अपनी लाइट थी, इनकी अपनी लाइट थी, तो इसका मतलब दे आर दोस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दे आर दोस या दीज आर दोस विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपनी लाइट को एमिट करे। और इसमें लिखना हो वो क्या लिख सकते हो? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट आर दोस लाइट, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट आर दोस विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेस ऑफ लाइट। अब मैं इसी की एक और प्यारी सी एग्जांपल दूं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सन जो है, सन सन ठीक है, और एक मून आ गया, और तीसरा हमने मान लिया अर्थ, ठीक है, सन मून एंड अर्थ। अब ये तीनों देखो, सन जो है, सन की लाइट, हम सन को देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से लाइट आ रही है, बट हम मून को भी देख पा रहे होते हैं, मून को भी देख पा रहे होते हैं। वो क्यों देख पा रहे होते हैं? क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, सन जो है अपनी लाइट यहां पे भी भेज रही होगी, सन जो है अपनी लाइट यहां पे भी भेज रही होगी, और ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी अर्थ पे आ रही होगी, रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी अर्थ पे आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपने एग्जाम्पल देनी हो तो ल्यूमिनस कौन सा होगा और नॉन ल्यूमिनस कौन सा होगा। तो बच्चे अब आप समझ ही गए होंगे कि सन जो है दैट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो मून जो है, मून मून इसको हम क्या कहोगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये देखो दोनों ही सोर्सेज ऑफ लाइट है, दोनों ही क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, बोथ आर सोर्सेज ऑफ लाइट, दोनों ही सोर्स ऑफ लाइट है, बट एक जो है वो ल्यूमिनस है जिसकी खुद की लाइट है, और दूसरा जो है वो नॉन ल्यूमिनस है उसकी खुद की लाइट नहीं है, इसको किसी की लाइट पड़ रही है, उसकी लाइट के पड़ने के करके ये रिफ्लेक्शन करके यहां पे देख पा रहे हैं, समझ रहे ना? तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो इसमें आप एक टर्म और पढ़ोगे, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस भी सोर्स ऑफ लाइट है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन लाइट ऑफ अ बॉडीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोस। हम इसको क्लासिफाई करते हैं इस फॉर्म में कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने छोटी क्लास में ये भी टर्म पढ़ी होती है ओपेक, ठीक, ओपेक। तो ओपेक जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? ओपेक इसका मतलब ये होता है कि विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम,
इसमें से लाइट पास नहीं करती, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या दोगे आप? इसकी एग्जाम्पल आएगी वॉल, वुड एटसेट्रा। अब दूसरा जो आता है दैट इज ट्रांसपेरेंट, 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 ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है बच्चे? ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट वो बॉडीज हैं जिस जो अलाउ करती हैं, जिसमें से लाइट पास करती है, अलाउ लाइट टू पास। एग्जाम्पल क्या दोगे? एग्जाम्पल जैसे कि ग्लास, ठीक है, एयर, वैक्यूम एटसेट्रा। और तीसरा ये था ट्रांसल्यूसेंट, 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 ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज कौन सी होती हैं? जो कि पार्शली पार्शली अलाउ करें लाइट को, उसमें से पास करें। इसकी एग्जांपल देनी हो तो वो क्या दोगे आप? इसकी एग्जांपल आ जाएगी पॉलीथीन, वाटर एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये सारा का सारा आप इसमें तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ बेसिक टर्म क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब जैसे लोअर क्लास में आपने ये भी टर्म पढ़ी होती है, रे, रे, रे क्या होता है? रे, रे है जो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करे, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट, फॉलोड बाय लाइट। तो इसका मतलब रे को अगर आपने डिवाइड करना हो, बाइफरकेट करना हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, पैरेलल बीम, ठीक है। बीम क्या हो गया? बंडल ऑफ लाइट, ठीक है, बंडल्स ऑफ लाइट, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम में कैसे? बंडल ऑफ लाइट मीन्स ऐसे बंडल भेज रहे हैं लाइट का पैरेलल में। दूसरी आ गई डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? डाइवर्जिंग का, डाइवर्जिंग का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूर जाना, ऐसे ये देखो दूर जा रहा है, ये देखो लाइट दूर भेज रही है, ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, ठीक है। एक टर्म आती है कन्वर्ज करना, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मींस जो लाइट जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करे, ठीक है, लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करे। तो वो सारे के सारे पॉइंट एक पॉइंट पे आके मीट करे, यहां पे देखो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब इन्फाइनाइट सोर्स से कोई रे आ रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करे। तो अगर इसको डिफाइन करना, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कन्वर्जिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं इफ ऑल द रेज इन अ बीम ऑफ लाइट मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट, देन सच अ बीम इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम। समझ रहे हो ना? एक ही पॉइंट पे आके मीट करे, ठीक है बच्चे। तो इसको अगर डिफाइन करना तो कैसे करोगे? इफ ऑल द रेज इन अ बीम ऑफ लाइट अपियर्स टू मीट एट अ पॉइंट एंड डाइवर्ज आउटवर्ड्स, देन सच अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसको हम डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर हो रही है टर्म? तो अब जो है बच्चे, अब हम बिल्कुल मेन टॉपिक में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक तो आपको बता दिया क्या क्या होता है इसमें। अब जो मेन टॉपिक में हमने एंटर करना है दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बड़े बच्चों को बेसब्री से इंतजार होगा इस टॉपिक का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बिल्कुल सही, रिफ्लेक्शन। अब यहां पे देखो रिफ्लेक्शन का मतलब ही हमें पता है, दैट इज बाउंस बैक, बाउंस बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम मीडियम में ही बाउंस बैक करना। देखो कई बच्चे ऐसे भी सोच सकते थे कि लाइट आई यहां से, मतलब कि इस तरफ अगर पानी रख दें, पानी रख दें, यहां से लाइट गई पानी के अंदर एंटर कर जाए तो वो सेम मीडियम नहीं रहेगा, यहां पे एयर है फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ऐसे बनाया जाए कि जैसे यहां पे मैंने कहा कि यहां पे वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर में डाल दिया, तो यहां से मैंने सोर्स ऑफ लाइट ऐसे भेजी, तो ये फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एंटर कर गई। अगर ये इसके अंदर एंटर कर गई तो ये रिफ्लेक्शन ही आएगा, रिफ्लेक्शन ही आएगा, क्योंकि इसका मीडियम अलग हो गया, मीडियम अलग हो गया, मीडियम अलग हो गया। तो हमें कैसा मीडियम चाहिए? हमें सेम मीडियम चाहिए रिफ्लेक्शन वर्ड के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस, व्हेन इट फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस। समझ रहे हैं? तो इसकी अगर एग्जाम्पल देनी हो तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मिरर, ठीक है, या फिर पॉलिश्ड सरफेस ऑफ मेटल्स,
ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, समझ रहे। तो इसको हमने अगर दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऐसे बनाया गया प्लेन सरफेस, ये देखो यहां पे हमने पीछे पॉलिश कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर यहां पे लाइट कोई भी आएगी तो ये जो लाइट है इस पे पड़ेगी, क्योंकि ये रेगुलर सरफेस है। कैसा सरफेस है? रेगुलर सरफेस है, रेगुलर सरफेस, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो यहां पे जब लाइट आएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक करती है विद द सेम एंगल, विद द सेम एंगल, जितने एंगल से ये गई होगी उसने एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो रे है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, लोअर क्लास की टर्म है फिर से, इंसिडेंट रे। और इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हम कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो आई एंगल बन रहा है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आर है, आर को क्या कहोगे आप? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो टर्म बोली है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको समझिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हमारे पास जो सरफेस होते हैं, सरफेस, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सरफेस का बता दूं। हमारे पास जो सरफेस होते हैं, सरफेस, सरफेस, ये सरफेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक सरफेस जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये रेगुलर है। जैसे हम मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो आप रोज के रोज इसको लाइक करोगे तो मैं कहूंगा कि आप रेगुलर हो, रेगुलर बच्चे हो, रेगुलर स्टूडेंट हो। और एक होंगे इरेगुलर, कुछ होते हैं जो कभी कभी आएंगे, ठीक है, बट आएंगे जरूर, ठीक है। तो एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर जो सरफेस है इसका मतलब, इसको हम कहेंगे प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस भी कह सकते हैं। इसको आप डिफ्यूज्ड सरफेस भी कह सकते हो, डिफ्यूज्ड सरफेस। ये अच्छा सरफेस मान सकते हैं इसको, और ये थोड़ा गंदे वाला सरफेस है। गंदे वाला मीन्स इसमें इररेगुलरिटीज है, इररेगुलरिटीज है। तो इसका मतलब कि दो पार्ट्स में सरफेस को डिवाइड करते हैं, एक तो प्लेन रेगुलर सरफेस है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो इसमें दिखाया गया है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, उसके लिए हमें जो सरफेस चाहिए वो ये वाला सरफेस चाहिए, ये वाला सरफेस चाहिए। अगर आप इस सरफेस से की बात करोगे तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसका मैं लॉजिक बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इररेगुलर सरफेस है, ऐसे इररेगुलर सरफेस है, तो यहां से कोई भी रे गई, फॉर एग्जाम्पल इस पे पड़ी हो, ये प्लेन सरफेस हो, और एक बार रे गई यहां से ऐसे पड़ गई हो, तो ये वाला सरफेस है। तो यहां से रे जो है वो टकरा के कहीं पे भी भेज सकता है, और यहां से फॉर एग्जाम्पल ऐसे भेज रहा है। तो यहां पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है, वो नॉर्मल के साथ ये सेम नहीं बना रहा। तो इसका मतलब ऐसे वाले सरफेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे गया कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी एंगल पे जा सकता है, क्योंकि ये इररेगुलर डिफ्यूज सरफेस है, समझ रहे। तो इसका मतलब ये है कि इररेगुलर सरफेस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम नहीं बनते, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम नहीं बनते। अब ये देखो इसमें मतलब कि जो रे आ रही है वो टकराने के बाद किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, पर इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। अब इसी को ही हमने डिफाइन करना है, वो कैसे फिक्स होती है, और क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है और क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहां पे सबसे पहले मैंने टर्म लिखी है आई, आई को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस टर्म जो ना वो क्या होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट्स द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, बिटवीन का सिंबल डाल दिया, बिटवीन द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं फिर से बना देता हूं, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमारा सरफेस है, सरफेस के जो परपेंडिकुलर आ जाए, नॉर्मल वर्ड भी समझ लीजिए। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू
टू द सरफेस, टू द सरफेस, जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, सरफेस के, ये सरफेस है, ये आपका क्या है, सरफेस, सरफेस इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना है, क्या बनाना है, 90 डिग्री एंगल, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो इंसिडेंट एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल, ये देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे, आई आर मीन्स इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, इसके बीच में एंगल बन रहा था, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और सिमिलरली एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ वैसे तो, ठीक है। अब देखो बच्चे मैं आपसे इसका बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझ पूछता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद फिर बढ़ते हैं लॉस की तरफ, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, तो इसका सबसे पहला मैं बेसिक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से एक रे भेजी, ठीक है, रे भेजी जिसका एंगल था 30 डिग्री, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करी, कितने एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी, तो सबको पता अब ये 30 डिग्री एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी, मैंने कहा कि ये जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, मैंने इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, ये देखो ये क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे ये डायरेक्शन है, मैंने इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज ऐसे शिफ्ट किया, क्लॉकवाइज ऐसे शिफ्ट किया, इसके एंगल को मैंने शिफ्ट किया 15 डिग्री, ठीक है, इसके इंसिडेंट रे के एंगल को फिक्स किया, फिक्स एंगल था 30 डिग्री, इसको मैंने शिफ्ट किया क्लॉकवाइज 15 डिग्री, अब व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो देखिए बिल्कुल बेसिक टर्म है ये, देखो अगर ये पहले 30 था तो ये 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट किया, अब इसका एंगल क्लॉकवाइज शिफ्ट किया 15 डिग्री, 15 डिग्री शिफ्ट किया, तो यहां से इसका एंगल कितना आ गया 15 डिग्री, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट भी कितना कर रहा होगा, वेरी गुड बच्चे, जिन्होंने सोचा बिल्कुल सही सोचा, दैट इज 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 डिग्री कैसे ये शिफ्ट किया, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, क्लॉक तो ऐसे चल रही थी, ये देखो इसको ऐसे शिफ्ट किया और ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जा रहा है, क्लॉकवाइज का ऑपोजिट जा रहा है, तो इसका मतलब 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें यहां से कंसेप्ट समझ आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इफ वी शिफ्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लॉकवाइज, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी शिफ्टेड बाय द सेम एंगल, सेम एंगल बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये सबसे क्रक्स पॉइंट है, ये क्रक्स पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट है, तो अगर यहां पे देखो उल्टा मैं कर दूं, अगर मैंने इसको ऐसे शिफ्ट किया, मैंने कहा 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं शिफ्ट कर दूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 15 शिफ्ट कर दूं, तो इसका एंगल कितना बन गया 45, तो यहां पे भी कितना आएगा, यहां पे भी कितना आएगा, यहां पे आएगा 45 डिग्री, यहां पे भी 45 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करूं, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं शिफ्ट करूं, तो ये कितना डिग्री शिफ्ट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज कितना शिफ्ट कर रहा है, ये 15 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है, और टोटल एंगल में कितना चेंज आ रहा है, टोटल एंगल में जो चेंज आ रहा है दैट इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट आपने याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव पेपर आने शुरू हो गए हैं, तो बच्चे इसका ध्यान रखना है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको, समझ रहे ना। अब देखिए इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है, देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी साथ में तैयार करवा रहा हूं, ताकि बोर्ड में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट कर सको, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी रे ऐसे नॉर्मली, ऐसे ये नॉर्मल था, इंसिडेंट रे ऐसे पड़ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे पड़ रही है, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी सेम डायरेक्शन पे जाएगी, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना बनेगा, आई का एंगल कितना होगा और आर का एंगल कितना होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये है, तो बताओ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, स्क्रीन को पॉज करके सोचो, तो वेरी गुड, जिन्होंने सोचा है 0 डिग्री तो बिल्कुल सही सोचा है, तो 0 डिग्री इज द राइट आंसर, तो 0 डिग्री आएगा। अब बढ़ते हैं इसके लॉस की तरफ, लॉस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसके जो लॉस हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हमने पॉइंट पढ़े हैं इसी के ऊपर, लॉस के ऊपर ही पढ़े हैं, तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है, सबसे पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे,
रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे एक कॉमन प्लेन पे, या कॉमन पॉइंट कह सकते हो, सीपी कॉमन पॉइंट। दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेसिकली ये इसको हम फर्स्ट पॉइंट मानते हैं, जो मैं दूसरा लिख रहा हूं आप इसको फर्स्ट, इसको सेकंड ही लिख दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, तो आई जो है बेसिकली इट इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ हैं, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ हैं। ठीक है,